हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार मिनी डीजे स्पीकर। इस डीजे स्पीकर के अंदर ब्लूटूथ भी होगा, एफएम भी होगा, यूएसबी भी होगा और मेमोरी कार्ड भी इसमें बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। और फ्रेंड्स, ये इतने सस्ते में बन जाएगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा सस्ते में बन जाएगा। खैर छोड़िए, वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मिल्टन के 15 वाट के स्पीकर वूफर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर अदर कंपनी के भी ले सकते हैं, लेकिन मिल्टन की जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही शानदार आती है। अब हम लेंगे यहाँ पर एम्पलीफायर, ब्लूटूथ, यूएसबी, एफएम, पीसीबी। ये मॉड्यूल आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा और वैसे मैं इन सब का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम लेंगे 5mm का एमडीएफ बोर्ड, तो 10x24 सेंटीमीटर के इस तरह के दो टुकड़े, इसी तरह से 9x24 सेंटीमीटर के दो टुकड़े और 9x11 सेंटीमीटर के दो टुकड़े। इन सबको हम बिल्कुल आसानी से हेक्सा के द्वारा काट लेंगे। ये सब सामान कितने में मिलता है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस स्पीकर से इस तरह से नाप के हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है 10x24 सेंटीमीटर के एमडीएफ बोर्ड के ऊपर, जो कि फ्रंट का है। और यहाँ पर जो ये पीसीबी मॉड्यूल है, इसके लिए भी हम इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर कटिंग कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्वेलरीसा के द्वारा बिल्कुल आसानी से ये कटिंग हो जाएगी। इस तरह की ज्वेलरीसा किस तरह से बनती है, इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है चैनल के ऊपर, तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है और ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हो। तो इस डीजे स्पीकर के अंदर जहाँ पर ये वूफर लगेंगे, वहाँ पर मैं इस तरह से गोलाई दे दूंगा सैंड पेपर के द्वारा। अब हम पीसीबी मॉड्यूल के लिए कटिंग करेंगे और अगर आप चाहे तो अपने अनुसार भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और उसी ज्वेलरीसा के द्वारा यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने अनुसार भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है गोलाई की, तो इससे इसकी लुकिंग बहुत ही शानदार लगेगी। अब हम यहाँ पर दोनों वूफरों को इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कसेंगे इनके अंदर स्क्रू और इन स्क्रू को लगाएंगे हम वॉशर के साथ, ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो ये स्पीकर बनाने जा रहे हैं, आपको मार्केट में 1500 से 1700 रुपए तक मिलेगा। अब हम लगाएंगे इसके अंदर ये पीसीबी मॉड्यूल जो कि हमने लिया था, और ये देखिए जो शेप हमने बनाई थी उसके अंदर ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से लग जाएगी। अब फ्रेंड्स, इस पीसीबी मॉड्यूल को रोकने के लिए, डांटने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से लकड़ी की गुटकियाँ लगाऊंगा कि जब भी हम इस स्पीकर को चार्ज करें या फिर इसके अंदर पेन ड्राइव लगाए या फिर इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाए, तो ये पीछे की तरफ बिल्कुल भी ना धकेले। तो यहाँ पर हम किसी भी इंस्टेंट ग्लू के द्वारा बिल्कुल आसानी से इनको चिपका लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये देखिए, सामने की तरफ भी मैंने इसको अच्छे से सपोर्ट दे दिया है इंस्टेंट ग्लू के साथ, एमडीएफ बोर्ड की छोटी छोटी कटिंग लगा के। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये जो स्पीकर बनाने जा रहे हैं, ये आपको मार्केट में 1500 से 1700 रुपये में मिलेगा, लेकिन हम यहाँ पर बनाएंगे बिल्कुल लो कॉस्ट में। अब हम इस तरह का कनेक्टर लगाएंगे स्पीकर वाले सॉकेट के ऊपर और दोनों वूफरों को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो वूफरों के जिस साइड में रेड निशान लगा हुआ है वो पॉजिटिव है, और अगर आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से कनेक्ट करोगे तो इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही शानदार आएगी। तो यहाँ पर जो वाइट वाला वायर है हमने पॉजिटिव वाला लिया है और ब्लैक वाला नेगेटिव के लिए। अब हम यहाँ पर कनेक्टर के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह की इटसिंग स्लीव का यूज भी कर सकते हैं या फिर टेप का भी। अब हम एक रिचार्जेबल बैटरी लेंगे 3.7 वोल्ट की, जैसा कि आप देख सकते हैं ये कनेक्टर के साथ में मिलती है, या फिर आप लैपटॉप की पुरानी बैटरी से भी ये निकाल सकते हैं। काफ़ी सारी बैटरियाँ बिल्कुल आसानी से सही मात्रा में मिल जाती है। अब यहाँ पर 9x11 और 9x24 सेंटीमीटर वाले टुकड़े को हम इस तरह से चिपका देंगे, और ये जो हमने तैयार किया है उसको हम यहाँ पर इस तरह से चिपकाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको 8 से 10 mm अंदर की साइड में रखेंगे इस तरह से। तो इस मॉड्यूल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ब्लूटूथ का सर्किट है और यहाँ पर एक FM का सर्किट भी है। तो यहाँ पर हम एक एंटेना के रूप में वायर जोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है।
अब जो बैटरी हमने ली थी 3.7 वोल्ट की रिचार्जेबल, उसको हम इस सॉकेट के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस सॉकेट के ऊपर बी प्लस और बी माइनस लिखा हुआ है, तो बी प्लस वाला रेड और बी माइनस वाला यहाँ पर ब्लैक वायर लेंगे, जो कि हम बैटरी के ऊपर भी इसी तरह से पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से लगा लेंगे। अब इस बैटरी को हम फेविबॉन्ड के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल आसानी से चिपका देंगे। तो कुल मिला के बात यह है फ्रेंड्स कि इस पीसीबी के द्वारा हम इस रिचार्जेबल बैटरी को आसानी से चार्ज भी कर सकेंगे। तो यार फ्रेंड्स, वीडियो देखते देखते भाई के वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पैनल है इसको लगाएंगे हम पीछे की तरफ, क्योंकि यार ये मैंने पीछे के लिए ही बनाया था, ऐसा तो है नहीं कि इसको मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा भंडावा सा पाइप, ये पुराना सा पाइप कहाँ से लेके आ गया। तो यार फ्रेंड्स, आप भी इस तरह का कोई भी पाइप ले सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे वो कार्डबोर्ड का हो, और हो सके तो फ्रेंड्स आप वही चीज़ यूज में लिया करो जो घर में बेकार पड़ी हो। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से हमने इस पाइप के अनुसार छेद कर लिया है। और जैसा कि अभी मैंने आपको इसकी नाप भी बताई थी, लगभग 3 सेंटीमीटर मैंने इस पाइप की लंबाई रखी है, और इसको मैं यहाँ पर फेविबॉन्ड के द्वारा आसानी से चिपका लूँगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आप ये कॉर्नर देख रहे होंगे, इनके अंदर भरेंगे हम फेविबॉन्ड। वैसे तो हमने इनको इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर बीच बीच में कुछ जगह रह जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर में साउंड की सही क्वालिटी नहीं आती। तो इस तरह से फेविबॉन्ड लगाने के बाद और इसमें मिल्टन के स्पीकर यूज करने के बाद हमारे इस डीजे स्पीकर में साउंड की हाईफाई क्वालिटी लाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने स्पीकर का कनेक्टर लगा ही दिया है, साथ ही यहाँ पर जो एफएम का वायर है इसको भी हम साइड में इस तरह से चिपका लेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब हम लगाएंगे पीछे वाला पैनल, जिसको हम बैक पैनल भी बोलते हैं, और चलिए अब हम इसके अंदर भी लगा लेते हैं फेविबॉन्ड। अब फ्रेंड्स, हम लगाएंगे ऊपर वाला पैनल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसको हम फेविबॉन्ड और इंस्टेंट ग्लू के साथ एक साथ इस तरह से कवर कर देंगे। अब फ्रेंड्स, फाइनली हम इस तरह का कपड़ा लेंगे, जो कि मैंने ब्लैक कलर का लिया है, और ये आपको बिल्कुल आसानी से कपड़ों की शॉप पे मिल जाएगा। और वैसे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये एक ब्लाउज पीस है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर मैं फेविकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 1500 से 1700 रुपए तक मिलने वाला ये स्पीकर वूफर आप कितनी आसानी से कितना सस्ता बना लोगे, वो मैं आपको अब यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर प्राइस जोड़ते जाइए, 40-40 रुपए के मिल्टन के स्पीकर, पीसीबी यहाँ पर है 90 रुपए की, और जो एमडीआई बोर्ड है वो 10 रुपए स्क्वायर फिट का है, और 15 रुपए में आप ये कपड़ा जोड़ लीजिए, और 10 से 15 रुपए आप और जोड़ लीजिए जो इस स्पीकर की लागत में खर्च हुए हैं, जैसे कि स्क्रू, फेविबॉन्ड, इंस्टेंट ग्लू। तो ये पूरी की पूरी तो इसमें लगी नहीं, इसमें थोड़ी बहुत लगी है। तो अब आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि हमारा ये स्पीकर कितने सस्ते में बन जाएगा। यानी मार्केट में मिलने वाला 1500 से 1700 तक का ये स्पीकर आप सिर्फ 200 रुपए में बना लोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार लोकल आराम से बिल्कुल 400 से 500 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन इस डीजे स्पीकर की जो साउंड क्वालिटी है वो 1500 से 1700 तक के स्पीकर जैसी होगी। तो यार फ्रेंड्स, आप मेरी बात सुनने के साथ साथ में यहाँ पर ये भी देखते जाइए कि मैं ये कपड़ा किस तरह से चिपका रहा हूँ। यहाँ पर हमने एक कपड़े का टुकड़ा और काटा था, जो हम इसके पीछे की तरफ चिपकाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये पाइप हमने क्यों लगाया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस पाइप को लगाने के बाद इस डीजे स्पीकर के अंदर हाईफाई साउंड आएगी, क्योंकि जब भी इस डीजे स्पीकर के अंदर म्यूजिक बजेगा तो वूफर आगे पीछे जरूर होगा, जिससे इस बॉक्स में लगे हुए वूफरों के लिए इस पाइप के द्वारा हवा बिल्कुल आसानी से पार हो सकेगी। साथ ही हमने इस छेद को कपड़े के द्वारा ढक भी दिया है, ताकि इसके अंदर कोई छिपकली या चुहिया अंदर नहीं घुसे। क्योंकि यार अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी स्पीकर वूफर, होम थिएटर या डीजे स्पीकर के अंदर चूहिया या चूहा घुस के तारों को काट देता है, और हम परेशान होते रहते हैं। तो यार फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पास भी इस तरह का कोई डीजे स्पीकर या वूफर वगैरह है और उसके इस तरह से छेद है, क्योंकि यार छेद तो होगा ही होगा,
वो तो कंफर्म है। तो आप उस छेद जितनी जगह इस तरह से कपड़ा चिपका सकते हैं, या फिर आप एल्यूमिनियम की नेट भी लगा सकते हैं जो कि आपको हार्डवेयर शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी। तो स्टैंड के रूप में हम यहाँ पर लगा देंगे बाइक या साइकिल की ट्यूब के इस तरह से गोले, और पीसीबी मॉड्यूल के जस्ट नीचे फ्रंट पे हमने इस तरह से कपड़े की पट्टी चिपका दी है, जिससे इसकी लुकिंग बहुत ही शानदार आपको लग रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम इस डीजे स्पीकर के अंदर इस तरह से पेन ड्राइव लगा सकते हैं, और ये देखिए इस तरह से मेमोरी कार्ड भी इसके अंदर लगा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास इनके अंदर गाने नहीं हैं, और वैसे भी ज़्यादातर लोग ब्लूटूथ के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डीजे स्पीकर को चेक कराने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इसको किस तरह से चार्ज करेंगे। तो आप जैसे और चीज़ों को चार्ज करते हैं, वैसे ही आप इसको भी बिल्कुल आसानी से चार्ज कर सकते हो। देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेड लाइट आ रही है, जैसे ब्लू लाइट आएगी ये स्पीकर पूर्णतया चार्ज हो जाएगा, और 2 से 2.5 घंटे में ये चार्ज हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस डीजे स्पीकर की टेस्टिंग करवाता हूँ। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे और ये ब्लूटूथ मोड पे आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर ये ऑक्स के लिए भी दिया हुआ है, मैं बताना भूल गया था, और ये है FM मोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप FM बिल्कुल आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको ब्लूटूथ मोड पे कर देता हूँ, और यहाँ कनेक्ट करवा देता हूँ मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ, ठीक है। और अब चलाता हूँ म्यूजिक। तो फ्रेंड्स, इसकी हाईफाई साउंड क्वालिटी आप माइक के अंदर सुन सकते हैं, साथ ही आप मोबाइल को भी स्पीकर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसकी आवाज़ कम या ज़्यादा, रिवर्स, फॉरवर्ड, सब कुछ। मैं आपको बॉलीवुड वगैरह के सॉन्ग नहीं चला के बता सकता, क्योंकि यार उस पर कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको यूट्यूब लाइब्रेरी से ही म्यूजिक चला के बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक बीट्स वाला म्यूजिक चला के बता देता हूँ। तो यार फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मिनी डीजे स्पीकर बहुत ही शानदार लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।